चलिए आइए आरंभ गुरु में आपका स्वागत है आज से। चलिए आज से हमारी जो क्लासेस है कंटिन्यू रहेंगी, आज से मोहित सर भी हम लोग क्लास लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी से है, और बायोलॉजी से भी किससे है, बायोलॉजी से है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो हम लोग का सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से आइए हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको देख के डरिएगा मत, बहुत ईजी है, बस समझते हुए चलिएगा। दो तीन बार वीडियो देखिएगा, आराम से आपको रटा जाएगा, और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सबके काम आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीकरण, सांस लेना और सांस को छोड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऊर्जा और ऊष्मा, हम लोगों का क्या होता है, ऊर्जा और ऊष्मा का ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, सांस लेने के द्वारा होता है, क्या अपचयी कैटाबॉलिक प्रक्रिया भी इसी के द्वारा कंप्लीट की जाती है। फिर देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन किस तरीके से सांस लेता है। स्तनधारी जो होते हैं फेफड़े यानी लंग्स की तरह से सांस लेते हैं, जो हम लोग हैं जैसे जितने भी कान और नाक दिख जाए जिनके भी, वो क्या होते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। और सांस किससे लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं और मानव भी। ठीक, कीट किससे लेते हैं, श्वसनी प्रक्रिया ट्रेकिया से ले लेते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कीट किससे लेते हैं, कीट लेके कीट श्वसन किससे करते हैं, ट्रेकिया से करते हैं, मैंने जैसा कि बताया आपको। ठीक है, जलीय जीव किससे करते हैं, गिल से करते हैं, फेफड़े से, जैसे मछली होती है तो क्या करते हैं, गिल से लेती है, फ्लोम से ले लेती है सांस। मेंढक क्या करता है, भूमि पर फेफड़े से सांस लेता है, और जल में मिट्टी के अंदर किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। और टैडपोल किससे सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात कि ऑक्सीकरण क्या होता है, वायु का लेना और छोड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऊष्मा तथा ऊष्मा का ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। अब देखिए होता क्या है, अपचयी कैटाबॉलिक प्रक्रिया, अपचयी कैटाबॉलिक प्रक्रिया इसमें संपन्न की जाती है। अब देखिए स्तनधारी किस तरीके से सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं, किससे, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, स्तनधारी जितने भी होते हैं। ठीक है, कीट किस तरीके से सांस लेते हैं, ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं डायरेक्ट वो लोग। जलीय जीव क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा सांस ले लेते हैं। और हमारे जो मेंढक होते हैं वो भूमि पर सांस लेते हैं फेफड़े से, और जल के अंदर और मिट्टी के अंदर जब होते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं। और टैडपोल गिल्स किससे सांस ले लेते हैं, गिल्स से ले लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि श्वसन ब्रीथिंग हम लोग का क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हम मतलब कितना लेते हैं कितना छोड़ते हैं, वायुमंडल से ही लेना लेंगे सांस हम लोग, जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है तो वायुमंडल से ही मिलता है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी लेते हैं। ऑक्सीजन 21% है, तो 21% ऑक्सीजन भी लेते हैं। CO2 0.03% है, तो ऑक्सीजन भी लेते हैं। अब भैया जितना वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतना ही ना लेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से 78% नाइट्रोजन ले लिए, क्या नाम है, 21% ऑक्सीजन ले लिए, और CO2 को ले लिए कितना, 0.3%। अब पूछता ये नहीं है कि आप कितना लिए, जाहिर सी बात है वायुमंडल में जितना रहेगा उतना ही लेंगे, पूछना कि कितना छोड़े, पूछेगा कि अगर आपने वायुमंडल से कितना आपने सांस लिया मतलब कि कितना ऑक्सीजन लिया, कितनी गैसों का ट्रांसफर हुआ, पूछेगा कि आपने ऑक्सीजन कितना लिया, आपने नाइट्रोजन कितना लिया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया। तो सबको पता है, बच्चे को पता है जितना वायुमंडल में रहेगा उतना ही लेंगे, और बचपन से पढ़ते आ रहे तो सबको रटा गया होगा। तो पूछेगा कि कितना छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो होता क्या है, 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 78% पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं और 78% पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। फिर होता क्या, ऑक्सीजन में हेर फेर हो जाता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, हेर फेर हो जाता है। ऑक्सीजन में हेर फेर कितने का होता है, खाली 4% का, याद रखिएगा, खाली 4% का, यानी 21% में ऑक्सीजन लिए किससे, वायुमंडल से, और कितना परसेंट छोड़ दिए, 17% छोड़ दिए, तो 4% गायब हो गया, 4% इस्तेमाल कर लिए। फिर होता क्या, CO2 0.03% मतलब 1% से भी कम लेते हैं, मतलब 1% से भी कम लेते हैं, यानी कि 1% से भी कम लेते हैं, लेकिन छोड़ के कितना देते हैं, 4%। तो 4 माइनस करके 4 नीचे प्लस कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला प्रक्रिया क्या था कि किस तरीके से कौन कौन जीव सांस लेते हैं, दूसरे में किस तरीके से सांस की प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। अब हम जब तीसरे में बात करेंगे कि जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है ना, ये 10 तरीके से कंप्लीट होती है। किस तरीके से कंप्लीट होती है, 10 तरीके से हम लोग 10 तरीके से सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब किस कौन कौन से जरिए से, कौन कौन सा जो रास्ता है जिससे ये गुजरता है और हमें सांस लेने में हेल्प करता है। तो सबसे पहली बात, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम लोग सांस किससे लेते हैं, मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, दोनों से नहीं लेते हैं, इन दोनों चीजों से हम लोग सांस नहीं लेते। ये सांस लेने का एक मार्ग है, मतलब कि वायुमंडल का एक, मतलब कि वायु का प्रवेश करने का, ऑक्सीजन का प्रवेश करने का एक रास्ता है। हम लोग सांस इससे नहीं लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं, किससे लेते हैं, फेफड़े से यानी कि लंग्स से लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले नासा छिद्र, अब यहाँ पे जो नासा छिद्र है ये देख रहे हैं, जो दो नाक में रास्ता है, ये सिर्फ क्या करते हैं, नासा छिद्र करते हैं, इसको क्या करते हैं, नासा छिद्र करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नासा कपाट, ये जो ऊपर कड़ा कड़ा दिख रहा है, ये
ये आपका क्या है, ये नासा का पार्ट है, ये ऊपर जो दिख रहा है एकदम कड़ा कड़ा आपको दिख रहा है, ये क्या है, नासा का पार्ट है। फिर उसके बाद है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, जो वही ग्रसनी जिससे खाना जाता है आपका, एक रास्ता खाने की ओर चला जाता है, एक रास्ता फेफड़े की ओर चला जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, लैरिंग्स, ये साउंड बॉक्स, देखिए यहाँ पे अगर हाथ लगा देते तो आवाज नहीं निकल पा रहा, मतलब कि बहुत ताकत भी लगा रहे तो भी नहीं निकल रहा, ये क्या है, साउंड बॉक्स है, लैरिंग, ये भी यहीं से उसे गुजरता है। अब देखिए क्या है, ब्रोंकिया, अब जो ब्रोंकिया जो होता है, अब ये देखिए जो हमने मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है ये फेफड़े का, ये लंग्स का, अब इसको एकदम आराम से आप समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिखा, नासा क्षेत्र दिखा, फिर नासा का पार्ट दिखा, फिर उसके बाद क्या दिखा, फेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स यानी कि जो ग्रसनी जो पाइप होती है, जो पाइप जो दो रास्ते में विभाजित हो जाती है, जैसे मैंने एक पाइप बनाया, अब देखिए इसको ध्यान से, ठीक, ये एक पाइप बनाया, ठीक, बनाने के बाद एक रास्ता कहाँ जा रहा है, फेफड़े की ओर जा रहा है, एक रास्ता खाने को लेके जा रहा है, तो यहाँ पे इपिक्लोसिस का एक ढक्कन होता है, इपिक्लोसिस का एक ढक्कन होता है, ऊपर से ये पाइप आ रही है, मान लीजिए ये ऊपर से पाइप आ रही है खुली हुई है, ये इपिक्लोसिस का ढक्कन है, ये इपिक्लोसिस का एक ढक्कन है, ठीक, तो यही एक रास्ता कहाँ जाता है, फेफड़े की ओर, एक रास्ता खाने की ओर जाता है, तो यही क्या है, ये फेरिंग्स है, यानी कि फिर उसके बाद क्या है, लैरिंग्स यानी कि स्वर तंत्र, यहाँ पे जो होता है स्वर तंत्र होता है, स्वर तंत्र यानी कि क्या होता है, यहाँ का साउंड बॉक्स होता है, अब इसको दबा दीजिए फिर आवाज देखिए इतना अजीब निकलने लग रहा है, मतलब यहाँ से आवाज निकलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रेकिया, ये जो पाइप नुमा संरचना दिख रही है, जो झालनुमा जो आपको दिख रहा है, ये जो झालनुमा संरचना दिख रही है, यहाँ पे जो क्या होता है, ये ट्रेकिया होता है, काटलेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काटलेज बोलते हैं, ठीक। फिर ट्रैकिया के बाद क्या है, ब्रोंकाई, ये पाइप जो है नीचे जाने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, जो ट्रैकिया है नीचे जाने के बाद फेफड़े के पास जाने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, इसे वो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकिया बोलते हैं। नीचे गई सबसे पहले बात क्या हो गया, नासा छेद, फिर नासा का बाद, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स यानी सॉरी ये ग्रसनी, ग्रसनी यानी कि क्या, ये जो पाइप जा रही है, फिर उसके बाद क्या है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स है, फिर उसके बाद क्या है, ट्रेकिया यानी कि श्वास, श्वास नली, इसको श्वास नली बोलते हैं। नीचे जाने के बाद ये क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है, सबसे पहले क्या फूलक, नासा क्षेत्र देख लीजिए, फिर नासा का पार्ट, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, फेरिंग्स ग्रसनी है, ग्रसनी जिससे वो खाना प्रवेश करता है और वायु प्रवेश करती है, चौथे में क्या है, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स है, पांचवें में क्या है, स्वर तंत्र, पांचवें में ट्रेकिया है, ये जो पाइप दिख रही है नीचे जाने के बाद काटलीज टाइप की पाइप दिख रही है, ये क्या है, ट्रैकिया है, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे क्या होती है, पंप होती है ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। फिर उसके बाद क्या है, ब्रोंकाई, दो भागों में बढ़ जाती है, फिर ब्रोंकाइटिस है जो अलग अलग निकल जाती है आपकी, और उसके ऊपर जो संरचना छोटी छोटी आपको दिख रही है, ये क्या है, एल्वियोली है, ये क्या है, यही एल्वियोली है, यही हमारे सांस लेने में हेल्प करती है, यही जो एल्वियोली है यही क्या करती है, हमारे सांस लेने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा, फिर उसके बाद ब्लड से हमारा कहाँ चला जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास, माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है। अब देखिए इसको समझिए, मैंने पहले रास्ता बताया आपको, नासा क्षेत्र दिख गया, फिर नासा का पार्ट यहाँ पे दिख गया, फिर उसके बाद फेरिंग्स दिख गया यानी कि ग्रसनी दिख गई, फिर उसके बाद लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स दिख गया, फिर उसके बाद ट्रेकिया, जो पाइप नुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। फिर उसके बाद क्या, ब्रोंकाई, ये दो भागों में बट गया, फिर ब्रोंकाइटिस, ये जो अलग अलग निकल गया, फिर उसके ऊपर जो ये जो दिख रहा है आपको, ये यही जो है क्या है, एल्वियोली है, यही पे कोरोना अटैक करता है, यही पे जाके कोरोना अटैक करता है, यहाँ पे जाके वायरस जो है बढ़ जाता है और फिर पूरा रास्ता जाम कर देता है, और फिर उससे क्या होता है, हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए कहते हैं कोरोना हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो एल्वियोली है ना, एल्वियोली बहुत ज्यादा लाभदायक है हम लोगों के लिए, एल्वियोली ही ऐसी एक जगह है जहां से क्या होता है, वो क्या प्रवेश करता है, ऑक्सीजन प्रवेश करता है, कहाँ पे, ऑक्सीजन का लाना और ले जाना, ऑक्सीजन को ले आना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम जो कौन करता है, ये करती है कौन, एल्वियोली करती है। अब देखिए एल्वियोली में होता क्या है, एल्वियोली को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं डायफ्राम के बारे में, फिर एल्वियोली को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे मैंने सांस लिया, फिर क्या होता है, सांस ले रहे हैं तो हमारे डायफ्राम पिचक गया, अब पिचक गया, फिर उसके बाद जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं वैसे ऊपर नीचे से डायफ्राम धकेलता है, नीचे से, जैसे मान लीजिए वायुमंडल से ऑक्सीजन आया, ठीक, सांस लिए, फिर उसके बाद हमारे ये बचक गया, फिर उसके बाद क्या होता है, हम सांस लिए तो छोड़ेंगे क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे यानी कि CO2 छोड़ेंगे, तो नीचे से जो होगा हमारा जो होता है डायफ्राम नीचे से धकेलेगा, फिर बाहर से ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा। फिर होता क्या है कि डायफ्राम अगर धक्का ना दे हमें, तो हमारा क्या होगा, हम सांस लिए छोड़ तो रहे नहीं है, अभी हम लोग फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो धकेल पाए किसको, इसको ऑक्सीजन को बाहर, और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या कहता है, डायफ्राम हमारी 70% हेल्प करता है किसको लेने में, सांस लेने में।
क्या करता है डायफ्राम, पहले सांस लिया पचक गया, ठीक, पचक गया, सांस लेने के बाद वायुमंडल से ऑक्सीजन आया, हम लोग उसको लिए, डायफ्राम पचक गया, फिर नीचे से क्या होगा, नीचे जाएगा हमारे बॉडी में, ये क्या कर देगा ऑक्सीजन कहाँ कहाँ प्रवेश करेगा, ये जो एल्वियोली के माध्यम से, एल्वियोली में जो छोटा छोटा छिद्र होता है, छोटा छोटा रास्ता होता है, एल्वियोली के माध्यम से क्या करेगा हमारे ब्लड में मिलेगा, और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की मदद से क्या होता है ब्लड में अनेक अनेक जगह पे सेलों तक पहुंच जाता है। पहले क्या हुआ कि वायुमंडल से ऑक्सीजन जब आता है तो एल्वियोली के माध्यम से क्या करता है हमारे ब्लॉडी, क्या नाम है, हमारे ब्लड में क्या मिल जाता है, और ब्लड में क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा, हर एक कोशिका में, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, पूरे के पूरे शरीर में हम लोगों के ब्लड दौड़ रहा है, पूरे के पूरे शरीर में हम लोग के ब्लड दौड़ने के कारण होता क्या है, एल्वियोली से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलने के बाद ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ब्लड के अनेक, हमारे शरीर के अनेक कोशिकाओं को क्या पहुंचाएगा, हम लोग के अनेक कोशिकाओं के पास क्या पहुंचाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जहां के अंदर ग्लूकोज को बंद करता है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई चीज यहाँ पे जला रहे हैं, मान लीजिए हम इसी को जला रहे हैं, तो इसमें से धुआं निकलेगा ना भाई, इसमें धुआं निकलेगा तो उसमें CO2 होगा, तो CO2 निकलेगा तो अंदर जाता है भैया, जलाता है और जलाता है, और सेल के माध्यम से पहुंचता कहां है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पे पहुंचता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज जलता है, और जलने के बाद क्या निकलता है उसमें से, धुआं निकलेगा तो धुएं में ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वायुमंडल में, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है हमारे वायुमंडल में, तो किसकी मदद से, इसी की मदद से। अब जैसे मान लीजिए एल्वियोली अगर काम करना बंद कर दे, ना तो आप सांस ले पाएंगे, ना तो आप छोड़ पाएंगे, तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एल्वियोली एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हमारे ब्लड में क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, और हमारे शरीर के अनेक अंगों से CO2 को खींच के ले आने का काम भी कौन करता है, एल्वियोली ही करता है। और डायफ्राम जो है ना वो क्या करता है, वायुमंडल से अगर ऑक्सीजन आया तो उसको लिए, ठीक, ऑक्सीजन लिए, ठीक, पता चला ऑक्सीजन लेने के बाद हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारा डायफ्राम टूट गया, तो क्या करेंगे मालूम होता क्या है, डायफ्राम टूटने के बाद तुरंत देखते हैं पिक्चर में दिखाता होगा कि मर जाता है, हो जाता है ना, क्यों, कुछ चोट नहीं लगा, कुछ भी चोट नहीं लगा, डायफ्राम टूट गया। अब डायफ्राम टूट गया भैया तो कैसे तुमका नाम, डायफ्राम ही जो हेल्प कर रहा था ना, ऑक्सीजन को खींच रहा था, और फिर क्या कर रहा है CO2 को बाहर धकेल रहा था, लेकिन डायफ्राम ही टूट गया। डायफ्राम टूटने के बाद हो क्या जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो कैसे सांस लेती है, क्योंकि प्रेग्नेंट होती हैं वो लोग, तो उनका जो पेट है थोड़ा फूल जाता है, अब डायफ्राम नीचे ही होता है तो वो क्या लेती है, यहाँ पे जो ग्राफ वो आपका देख रहे हैं, ये रिब केज देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसके मदद से सांस लेती है, ये देखते हैं उनका जो यहाँ पे का हिस्सा होता है वो फूलता है, इस तरीके से सांस लेते हैं, हम लोग डायफ्राम से लेते हैं, उनके भी संरचना दी गई है भगवान के द्वारा से। तो आपको ये अगर ये समझ में आ रहा होगा ना, तो इसको एकदम ध्यान से 2-3 बार देखिएगा तब समझ में आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, अगर आप बुक में पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से इसकी संरचना को आपको बताता हूँ, ठीक, पहले हुआ क्या, नासा क्षेत्र यानी यहाँ पे जो जगह दिख रही है, दो रास्ता दिख रहा है, ये नासा क्षेत्र, फिर यहाँ पे नासा का पार्ट हो जाएगा, फिर नासा का पार्ट के बाद ग्रसनी हो जाएगी, वही जो पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, फिर उसके बाद लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स ये वाला जो हिस्सा दिख रहे हैं लैरिंग्स, फिर उसके बाद क्या होता है लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ये जो पाइप नुमा संरचना दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। पाइप नुमा जो संरचना आपको डोडो दिख रही है ना, पाइप नुमा संरचना जो डोडो आपको दिख रही है नीचे जाने के बाद, वो क्या बोलते हैं उसको, इसको ट्रेकिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, पहले ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस जो अंदर जाने के बाद दो बढ़ जाता है, फिर उसके बाद जो छोटी छोटी फूल नुमा संरचना दिख रही है, इसके अंदर जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली के माध्यम से क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो ब्लड के अनेक कोशिकाओं, मतलब की शरीर के अनेक कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचा देता है, किसको, ऑक्सीजन को, और फिर उसके बाद सेल में पहुंचता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया के पास वही ऊर्जा का संचार होता है, और फिर उसके बाद होता क्या है, डायफ्राम हमारा क्या करता है, सांस लेने में, सांस छोड़ने में हेल्प करता है, 70% हेल्प करता है डायफ्राम करता है, याद रखिएगा। अब होता क्या है कि एक बार में हम लोग कितना सांस ले लेते हैं, मतलब कि होता है ना कि कुछ मात्रा तय की गई होगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो एक बार में हम लोग कितना, 500 ग्राम सांस लेते हैं, 1.5 लीटर की बोतल होती है ना, उतना हम लोग एक बार में सांस ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टोर कितना रह सकते हैं, 6000 ml, यानी कि 6 किलो, मान लीजिए 6 लीटर मान लीजिए। फिर होता क्या है कि
होता क्या है कि आप ध्यान देखिए कि हम लोग एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी होता है। तो एक मिनट में जो युवा वर्ग होता है जैसे कि हम जैसे लोग, तो 16 बार सांस लेंगे जब जागे होते हैं तब। अब जब सोए होते हैं ना तो क्या करते हैं, एक बार एक मिनट में केवल 12 बार सांस लेते हैं। ठीक, फिर होता क्या है छोटे बच्चों में क्या होता है, ये प्रक्रिया 25 से 26 बार चलती है, क्योंकि छोटा सा फेफड़ा होता है उसमें कितना प्रवेश करेगा, एकदम छोटा सा फेफड़ा होगा जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है तो ज्यादा बार लेगा ही लेगा, स्वाभाविक है। तो अब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मानव एक जगह हुआ होता है तो कितनी बार सांस लेता है, तो क्या करेंगे 15-16 बार या तो 16 बार, और फिर सोया होता है तो कितनी बार लेता है, तो 12 बार लेता है। फिर होता क्या है, पूछता है कि क्या नाम है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं जो नवजात शिशु होता है वो कितनी बार सांस लेता है, तो 25 से 26 बार, क्योंकि उसका फेफड़ा छोटा होता है। ठीक, इतना आपको अगर समझ में आया तो अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, इपिक्लोटिस के बारे में। चलिए इसको इरेज करता हूँ, आई होप इसको आपने बना लिया होगा, इसको बना लीजिए। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ। सॉरी, एक चीज मैंने बताना भूल गया, ये जो होता है ना, ये इसके ऊपर जो संरचना होती है डबल झिल्ली, पूछता है कि डायफ्राम के ऊपर यानी कि लंग्स के ऊपर जो संरचना होती है, जो परत चढ़ी होती है वो किसकी होती है। तो ये जो मान लीजिए ये डायफ्राम है, ठीक, ये डायफ्राम के ऊपर जो परत चढ़ी होती है, ये जो परत चढ़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। डायफ्राम के ऊपर जो परत चढ़ी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन बनता ही बनता है इसे याद रखिएगा, श्वसन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हम लोगों के बॉडी का और बायोलॉजी का, इससे ही आपका बायोलॉजी कंप्लीट होता है, समझ लीजिए। होता क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन नामक एक परत चढ़ी होती है। अब चलिए इसको इरेज करके मैं दूसरी बातें बताता हूँ आपको इसके बारे में। अब जैसे कि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जैसे मान लीजिए जो दो कपाट है, ठीक, होता क्या है कि ये जो रास्ता है नीचे आया, ठीक, ये दो रास्ता देख लेंगे आप, यहाँ से एक पाइप बना देता हूँ मैं, ठीक, ये ग्रसनी है, ठीक। तो यहाँ पे इपिक्लोटिस का नाम एक ढक्कन होता है, इपिक्लोटिस का एक ढक्कन होता है, इपिक्लोटिस, 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 बार बार चिल्ला रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए, इसको ढक्कन को क्या बोलते हैं, इपिक्लोटिस, इपिक्लोटिस। ये होता क्या है कि मान लीजिए, होता क्या है सांस लेते समय, अब मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, कभी कभी खाना खा रहे हैं, ठीक, खाना पीना खा रहे हैं, किसी याद में खोए हुए हैं, सोए हुए हैं या फिर खोए हुए हैं, ठीक, खोए हुए हैं, खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं सोच रहे हैं। तो होता क्या है, इपिक्लोटिस क्या करता है, जब खाना आता है तो क्या होता है, जो वायु मार्ग उसको बंद कर देता है और खाने वाला जो द्वार खोल देता है। अब लेकिन जब हम लोग सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, ठीक, या फिर खाना खाते हुए बात कर रहे हैं, तो इपिक्लोटिस जल्दी से खुलता है, जल्दी से बंद होता है, जल्दी से खुलता है, जल्दी से बंद होता है, जल्दी से खुलता है, जल्दी से बंद होता है। कभी कभी होता ऐसा होता है कि दिमाग के पास संदेश नहीं पहुंच पाता है, जो ब्रेन के पास संदेश नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, कि भैया हम किसी के याद में खोए, आराम से अपना खाना खा रहे हैं ऐसे और खोए हुए हैं, और उसको पता ही नहीं है दिमाग को कि कौन सा ढक्कन खोलना। तो कभी कभी होता क्या है कि खाना जो है वायु मार्ग में प्रवेश कर जाता है, और जब वायु मार्ग में प्रवेश करता है तो तुरंत क्या होती है, हिचकी आनी शुरू होती है, ऐसे ऐसी हिचकी आनी शुरू होती है। क्यों, क्योंकि खाना इस मार्ग में आ गया है ना भाई। अगर इस खाना इस मार्ग में आ गया, अगर मान लीजिए एक खाना इस मार्ग में आके फंस गया, अगर खाना इस मार्ग में आके फंस गया तो क्या हो गया, व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। लेकिन होता क्या है, हम लोगों को बचाने के लिए भी भगवानों ने एक संरचना दी है, दिमाग उसके पास अगर संदेश तुरंत पहुंच गया, तुरंत संदेश पहुंच गया तो हिचकी आना शुरू हो जाती है, और जब तक हिचकी आएगी जब तक आपसे मुंह से खाना यहां से यहां ना ट्रांसफर हो जाए, और ये ढक्कन खुलेगा खाना इधर आएगा, ढक्कन खुलेगा खाना इधर आएगा, तुरंत पानी पियेंगे, हाँ अब खाना प्रवेश कर गया, अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है ना कि हम लोग बोलते हैं खाते समय अगर हिचकी आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि किसी ने हमें याद किया, हाँ भाई तुम्हें तुम्हारे दिमाग ने याद किया, अगर थोड़ा सा छोटा निवाला खा लेते, थोड़ा अगर ध्यान से निवाला खा लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, लेकिन तुम क्या हो, किसके याद में खोए हो। होता क्या है, अब एक चीज और है इसके बारे में, अब इसको समझ लीजिए, अब एक चीज और समझ लीजिए कि जब हम लोग का फेफड़ा होता है, अब जैसे मान लीजिए कि इसकी संरचना मैं आपको बनाता हूँ, देखिए देखिए मान लीजिए ये नीचे आया, ठीक, नीचे आने के बाद ये दो मार्गों में बढ़ गया, ठीक, ये दो मार्गों में बढ़ गया, ठीक, इसके ऊपर प्लूरा मेम्ब्रेन की परत भी चढ़ा दी, प्लूरा मेम्ब्रेन की परत भी चढ़ा दी। अब लेकिन होता क्या है ना कि जो हम लोग का जो एल्वियोली होती है, इसके अंदर जो गया हुआ है, इसके अंदर जो एल्वियोली बन जाती है, एल्वियोली बन जाती है, होता क्या है ना एल्वियोली में कि याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ का इसको जो है ना, इसको जो हम लोगों के लंग्स को है और एल्वियोली को है, प्रेम किससे है सबसे ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनो मोनोऑक्साइड से, ऑक्साइड ऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड से इसको बहुत प्रेम है। क्यों प्रेम है भैया? होता क्या है ना कि वायुमंडल में जहां पे देखेंगे O2 भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो होता क्या है कि इसको मोनोऑक्साइड से बहुत प्रेम है। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए धुएं वाले जगह पे बैठे तो कहेगा अबे हट, ऑक्सीजन को भगा देगा, कहेगा हट, अब सीधा क्या करने लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने लगेगा, पूरा धुआं आपके फेफड़े में भर जाता और तुरंत आप क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि धुएं वाली जगह पे कम रहे, क्योंकि O2 से प्रेम ज्यादा है। O2 से प्रेम किसको ज्यादा है? O2 से प्रेम इसको नहीं है, हम लोगों के जो लंग्स है इसको प्रेम O2 से नहीं है, प्रेम किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कार्बन मोनोऑक्साइड इसीलिए हम लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, पेट्रोलियम वाहन को कम उपयोग करना चाहिए, इससे क्या होता है हमें ही नुकसान होता है। अब इसको मैंने आपको बता दिया, आप चलिए थोड़ी अलग से एक और नॉलेज दे देता हूं मैं कि होता क्या है कि हम लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हम लोग पर्वतों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है 5,000-6,000 फीट ऊपर, तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या मिला होता है हम लोगों के, ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या मिला होता है, O2 मिला होता है प्लस नाइट्रोजन मिला होता है, क्या मिलता है O2 प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। और फिर अगर होता क्या, हम लोग समुद्र की गहराई में जाते हैं, अगर समुद्र में जाते हैं तो किस तरीके से सांस लेंगे, तो वहां पे O2 और नाइट्रोजन होता है, क्या होता है O2 और N2 होता है, क्या होता है O2 और N2 होता है। और फिर होता है समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं ना, समुद्र की अगर बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं जहां पे मेरीना गए थे प्रशांत महासागर में, तो अगर वहां पे आप गए तो वहां पे बहुत ज्यादा गहराई है, तो वहां पे सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग कर लेते हैं हम लोग, O2 और प्लस हीलियम का एक सिलेंडर बना लेते हैं, उसका उपयोग करके हम लोग गहराई में भी सांस ले सकते हैं। अब जैसे कोई होता है कि ICU में कोई पेशेंट एडमिट है जिसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो सांस ले ही नहीं पा रहा है, इसका फेफड़ा अच्छे तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ICU में किसका उपयोग करते हैं, O2 प्लस हीलियम का उपयोग यहाँ पे भी कर लेते हैं वो लोग। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा, इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा, एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तब समझ में आएगा, एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है ये चीज, और इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और ये सभी वर्ग के बच्चों के लिए और ऑल इंडिया एग्जाम के लिए, आप ये स्पेशली मान के मत चलिएगा कि BPSC के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको खत्म करते हैं, और एक डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या करिएगा, श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, होता है ना देखिए छोटे क्लास में यूपी बोर्ड में UPSC BSC में इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछ लेते हैं व्हाट इज श्वसन मार्ग, यानी कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या बोलेंगे कि जिस मार्ग से वायु का अनुसरण होता है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, मतलब जिस मार्ग से वायु का आना और जाना होता है उसी को क्या होता है श्वसन मार्ग कहते हैं। तो आज का वीडियो आई होप आपको अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लासेस को पूरा देखें, आप लोग 15-15, 10-10 मिनट की क्लासेस देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोगों को आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी पूरी मेहनत करिए और क्लासेस को पूरा देखिए। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, धन्यवाद।